हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, आप सभी को पता होगा दिल्ली पुलिस का जो MTS की भर्ती थी उसका एग्ज़ाम आ चुका है और उसके जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड होने स्टार्ट हो चुके हैं। दोस्तों, कई दोस्तों के रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन आईडी गुम हो चुकी है, उन्हें याद नहीं है, उनके पास प्रिंट आउट भी नहीं है, ना ही उनके पास कोई मेल आया, तो वे अब अपना जो एडमिट कार्ड है वो कैसे निकाल सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कैसे पता कर सकते हैं, अपना पासवर्ड कैसे पता कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हैं ये बात जानने में तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए। दोस्तों, दिल्ली पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इस साइट को ओपन कर लेते हैं। उसके बाद आपको रिक्रूटमेंट का यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, चेक एप्लीकेशन स्टेटस, प्रोविजनली एक्सेप्टेड रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ MTS इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2017। ठीक है, तो आपको इसको ओपन कर लेना है। ये हमारा ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ आपको नीचे आओगे तो यहाँ से आप एडमिट कार्ड भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट अपना। आपको यहाँ पे क्लिक करना है यदि आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे क्लिक करके फिर प्रोसीड पे क्लिक कर देना, हमारा ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालनी है, उसके बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है कि हम भूल गए हैं, तो जो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, इसको क्लिक कर लेते हैं। ये क्लिक हो जाता है। अब जो आपकी ईमेल आईडी है जो आपने फॉर्म भरते वक्त डाली थी वो चाहिए आपकी, आपका मोबाइल नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट मैं एंटर कर देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को शेयर किया करो, जो आपको लगे ना कि वीडियो काम की थी तो उस वीडियो को शेयर ज़रूर करा करो, ताकि किसी ना किसी और कैंडिडेट का फ़ायदा ज़रूर हो जाए उस वीडियो से। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। ठीक है, जो अभी आपकी डेट ऑफ बर्थ है 22/8। ठीक है, उसके बाद में मोबाइल नंबर। ठीक है, उसके बाद अब आप जो अपना डिटेल है, रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह, वो कैसे लेना चाहते हो, ईमेल से, SMS से, या यहीं पे डिस्प्ले करना चाहते हो, तो मैं यहीं पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इस ऑप्शन को क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब आपको ये कोड एंटर करने हैं जो आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है, ये टेडामेडा, ये आपको एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, तो एंटर कर देते हैं। UHYNCA, ठीक है, कर दिया एंटर। उसके बाद में आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ आप नीचे जाओगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप योर रजिस्ट्रेशन आईडी, योर पासवर्ड इज दिस। ठीक है, अब आप इन दो चीज़ों से अपना जो एडमिट कार्ड है वो निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं मेरे पास कल से ही कि उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है, तो फाइनली इस तरीके से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों आपने ये वीडियो यहाँ तक देखी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का दिन शुभ रहे।